हे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मुसर्रत के किचन में आपका वेलकम। तो आज हम लोग बनाने वाले हमारी अफगानी पनीर बहुत मज़े की रेसिपी होती है, और अगर आप लोग दावत प्लान कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक पेस्ट बनाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर पुदीना पत्ता लिया है, और उसके बाद इसमें डाला है हम लोगों ने धनिया का पत्ता। डालने के बाद एक मीडियम साइज़ का अनियन हम लोगों ने डाला है, और ये हमारी हरी मिर्च, और ये हमारा चीज़ स्लाइस। आप लोग यहाँ पर चीज़ क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक इस्तेमाल कर लें। देन उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और यहाँ पर आप लोगों ने काजू डालना है सोक करके, बट हमारे पास पहले पेस्ट था तो इसलिए हम लोगों ने वह इस्तेमाल कर लिया। तो अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो बिल्कुल अच्छा सा ग्राइंड करना है, पेस्ट बना लेना है इसका। देन उसके बाद इसको करेंगे साइड पे, और हम लोग यहाँ पर करेंगे पनीर को मैरिनेट। तो उसके लिए हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें, और फिर थोड़ा सा नमक, और ये लेमन जूस। डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से उसको हम लोगों ने लगाना है। पनीर जो होते हैं हमारे बड़े नाजुक होते हैं, तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है यहाँ पर। तो पर आराम से कर लें, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको करने में। तो बस सारा हो जाए तो अब इसको कर देंगे साइड पे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंड मैरिनेशन प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर डाला है दही, फिर इसमें हम लोग डालेंगे हमारी फ्रेश क्रीम। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप लोगों ने दूध के ऊपर की जो मलाई जमती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कसूरी मेथी डाला था इसमें, फिर ये हमारा काली मिर्च का पाउडर, और ये हमारा ज़ीरा पाउडर। फिर इसमें डालेंगे चाट मसाला, और ये गया जी हमारा गरम मसाला पाउडर। फिर इसके बाद इसमें डालना है हमें नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और फिर इसके बाद जो हम लोगों ने पेस्ट अभी तैयार करके रखा था ना, उसे डालना है। डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लें, मिक्स कर लें बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें पनीर डालना है, तो पनीर डाल देंगे, अच्छे से डाल दें, और सारा पनीर इसमें हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, पनीर इस वक्त पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करें, और अगर आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते तो मसाले में पनीर डालें, और पनीर को निकाल कर एक प्लेट पर प्लेस कर सकते हैं। तो बस पनीर को उतनी देर तक ही आप लोगों ने मैरिनेशन में रखना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। उससे अगर ज़्यादा देर तक आप लोग रखेंगे तो पनीर का जो टेक्सचर होगा ना, वो बिल्कुल रबर जैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल कम टाइम तक रखें। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक तवा लिया था, उसके ऊपर ऑयल लगाया, एंड देन हाई फ्लेम पर हम लोगों ने पनीर को पकाना है, ताकि जो पनीर का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। मीडियम हाई फ्लेम पर पका लें, और इसमें आराम से 7 to 8 मिनट्स लग जाते हैं, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ यहाँ पर करना है। और पनीर इस वक्त पे इतना मज़े का लगता है ना, बहुत ज़बरदस्त लगता है जब ये पूरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये देख लें, इस तरह का हमें कलर चाहिए, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा यहाँ पर इसका जो टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है यार यहाँ पर। तो आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो बस इस तरह से हमारे जो सारे पनीर है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हमें निकाल लेना है पनीर को। सारे पनीर हम लोग निकाल लेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ऑयल डाला है, और यहाँ पर बटर डाला है, और डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम लोग थोड़े से अपने खड़े गर्म मसाले डालेंगे, तो ये हमारा लौंग 4 से 5 डाला है, फिर उसके बाद छोटी इलायची डाली है, और ये हमारा दालचीनी। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल करा था, जो हम लोगों ने ऐसे स्लिट कर लिया था, और एक तेज़पत्ता। तो बस इसको कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए पकाना होता है, बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए तब तक। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर अदरक डालेंगे। अदरक आप लोग बारीक चॉप भी कर सकते हो, हम लोगों ने ग्रेट कर लिया था, और बस उसको हल्का सा सॉटे करेंगे। देन उसके बाद जो ये मसाला था ना, जो हम लोगों ने प्रिपेयर करा था, पनीर जो डाला था जिसमें, तो वो मसाले को हम लोग इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है मीडियम फ्लेम पर, और ये देख लें बिल्कुल अच्छे से, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो एक उबाला आएगा, देन उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। तो पानी हम लोगों ने उसी बर्तन से डाला था, मतलब हाफ कप के अराउंड, जिस बर्तन में हमारा जो मैरिनेशन था, ठीक है, तो उसी बर्तन से डाल दिया था, ताकि जो वो वेस्ट ना हो। तो आराम से 3 से 4 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर पका लें, और इसको तब तक पकाना है जब तक जो इसके ऊपर जो ऑयल ना आ जाए। तो ये देख लें बिल्कुल ज़बरदस्त आ गया है ऑयल। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें सारे पनीर डाल देने हैं, डाल देंगे, और बिल्कुल इसको चलाना नहीं है, 1 से 1.5 मिनट तक के लिए ऐसे छोड़ देना मीडियम हाई फ्लेम पर, और 1 से 1.5 मिनट तक छोड़ दें, और बिल्कुल इसके बाद हमारी जो पनीर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने फ्लेम को बंद कर दिया, और फिर उसके बाद हम लोग इसको सर्व करेंगे। ये इतने मज़े का ज़बरदस्त लग रहा था ना, बहुत मज़ा आ गया था खाकर। तो आप लोग इसे पराठा, नान, पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ ट्राई करते हैं तो फीडबैक लाजमी दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।